ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 को अपने दो फाइनलिस्ट मिल चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल पहला सेमीफाइनल हुआ इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर टीम इंडिया ने 70 रन से ये मुकाबला जीत लिया और कीवी टीम को पीछे छोड़कर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली। वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला हुआ ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। मैच बहुत क्लोज गया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अंत में बाजी मार ली और उन्होंने भी अपनी जगह पक्की कर ली फाइनल्स में। यानी ऑल इन ऑल अब 19 तारीख को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ इंडिया की भिड़ंत होने वाली है। दोनों टीम्स लगभग वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 20 साल बाद टकराएंगे। 2003 में ये दोनों आमने सामने थे, जब रिकी पोंटिंग ने एक तरफा मैच जिता दिया था। 140 रन की उन्होंने पारी खेली थी, सौरव गांगुली कप्तान थे टीम इंडिया के, और ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जीत लिया था बड़े चौड़ में, बड़े अदब से ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया था। उम्मीद करेंगे 20 साल पुराना बदला हम लोग ले पाए। अभी तक जब भी हम लोग नॉकआउट्स में आए हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, तो उम्मीद बहुत ज्यादा है कि इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में कुछ करिश्मा होने वाला है। फिलहाल आपको बता दें कि भैया मौसम की क्या कुछ अपडेट होने वाली, क्योंकि ये स्टोरी जो है, ये पैकेज जो है मौसम पर ही है कि मौसम का क्या कुछ हाल होने वाला है। उस दिन कहीं बारिश खलल तो नहीं डालेगी, अगर बारिश खलल भी डालती है नॉट टू वरी, 20 तारीख का एक दिन रखा गया आईसीसी की तरफ से रिजर्व डे के तौर पर कि अगर बारिश आ भी गई तो मुकाबला 20 तारीख को अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा। बट उम्मीद करेंगे कि 19 को ही ये मुकाबला कंप्लीट हो, लेकिन उसके लिए आपको जानना पड़ेगा इस दिन की यानी 19 तारीख की वेदर रिपोर्ट क्या कुछ कहती है। देखिए एक्यू वेदर की रिपोर्ट की माने तो 19 नवंबर के दिन अहमदाबाद का मौसम साफ रहेगा। उच्चतम तापमान यानी मैक्सिमम जो है टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं मुकाबले में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसका मतलब फैंस को पूरे 100 ओवर का मैच देखने को मिलेगा। तापमान घटने के कारण शाम के समय मैदान पर ओस की संभावना है। तो देखा आपने, बारिश की तो वैसे एज सच कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी संभावना नहीं है, लेकिन हाँ ओस आ सकती है इस मैदान में। शबनम, ड्यू, कुछ भी आप कह लीजिए, उसका जो है आलम बना ही रहेगा, लेकिन बारिश की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। टेम्परेचर की बात करें, गर्मी रहेगी। अहमदाबाद है, अहमदाबाद में गर्मी का आलम आपने देखा ही होगा, जब इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ था उस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस बार गर्मी होगी, उतनी नहीं होगी, लेकिन गर्मी अच्छी खासी होगी, तो क्रैम्प्स के थोड़े से आसार ना हो फाइनल्स में तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं जब भी गर्मी होती है तो खिलाड़ियों को क्रैम्प से जूझना पड़ता है। वानखेड़े में ही देख लीजिए, अभी विराट कोहली, शुभमन गिल, क्रैम्प का सामना इनको करना पड़ा था। अब आप कमेंट्स करके बताइए आपकी क्या राय है और कितना एक्साइटेड हैं आप इस मुकाबले के लिए।